sun rays and हमेशा लेट 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 लेट, एक सेकंड लेट नहीं होता, पहले लेट लेट लेट, बिल्कुल चुप। इतना लेट लेट स्पैम कर देते हो तुम लोग भी। एक सेकंड, गेम ऑन। गेम शुरू होने से पहले ना, अभी लिटरली पिछले ऐसा आधे घंटे से मैं सिर्फ यहाँ खड़े होकर स्केलेटन मार रहा हूँ, अपने लेवल बढ़ा रहा हूँ एन्चेंटमेंट्स के लिए। मरो मरो मरो, आते जाओ, मरते जाओ। अबे ये क्या है, लैग? ऐसा क्या लैग हो गया? ओह माय गॉड, अभी तक लेट स्पैम हो रहा है यार, इतना तो लेट हूँ भी नहीं मैं लेट लेट, रुको एक्सपी लेने दो। Still late. अरे बस कर जाओ भाई, पिछले ऐसा इतना तो लेट था भी नहीं जितना लेट लिख दिया है। पाजी होने तक लेट। Nice song. Yes, OP song. So basically, last time जब हम आए, क्या कहते हैं, अपना वर्ल्ड ऐसा एक्सप्लोर करने निकले थे, तो हमको मैंशन मिल गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और स्ट्रीम की जाए जिसमें, अरे बस भाई बस, अभी तो बस कर जाओ, अरे बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। 35K वॉचिंग हो गई एकदम से ही, 14K से। हाँ, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करने जाए। एंड एक मेरे दिमाग में ना बहुत ओपी आइडिया था, पहले मैंने सोचा था कि वो भी कर सकते हैं, पर फिर उसमें माइन करना पड़ता हमें बहुत सारा आयरन, तो फिर मुझे लगा कि एक और स्ट्रीम माइनिंग की मैं नहीं करना चाहता मे बी। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम एक्सप्लोर करने जाते हैं। एंड पिछली बार हम पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की तरफ गए थे, आज हम कोई दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज मैंने डिसाइड किया था पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, कुछ ऐसा जाते हैं, मतलब यार 50 लेवल बहुत हो गए हैं। अच्छा चलो, एक के लास्ट 51 ओके चलते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ, हेलो स्केलीज, कम 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 डाई। मैं तुम्हें नीचे दिखा दूँ हमने लिटरली कितना सामान इकट्ठा कर लिया है, पूरा चेस्ट। अच्छा चेस्ट के अंदर भी चेस्ट है ओके, ये भरने वाला है, ये इसमें भर गया, इतनी सारी हड्डियाँ, इतने सारे एरोज। ये एरोज जो है ये इससे क्रॉसबो से ही चलेंगे ना ये? हाँ चल रहा है। ओ ओके, ये तो मैं नई एडवांसमेंट हो गई ओल्ड बेट सी, नाइस ये तो मेरे को पता ही नहीं था। एनीवेज थोड़े से और स्केलेटन्स आ जाए, इकट्ठे हो जाए, हो जाओ हो जाओ, इन्हीं को मारते हैं। हेलो स्केलीज, कैसा है भाई, मजा आया? तलवार कहाँ है मेरी? ओ लेवल, क्या मस्त लेवल्स बढ़ते हैं यार इनको मार के, इतनी सुकून मिलता है ना। आओ आओ मरो, आओ मरो। ऑलमोस्ट 51 लेवल हो गए हैं, विच आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट सब कुछ करने के लिए, एन्चेंटमेंट्स वगैरह लगाने के लिए। यार लेट नहीं हुए मैं, पता मेरे को लाइव आए हुए 4 मिनट हो चुके, अब तक तुम लेट स्पैम कर रहे हो। 7:30 पे पूरा लाइव हो चुका था, मैं लेट लेट ही नहीं बंद कर रहे, बस कर जाओ, हाथ जोड़ता हूँ मैं ओ सिमर सिंह एंड अभिनव बच्चास, वेलकम टू द प्रो गैंग, वी हैव सो मेनी न्यू मेंबर्स। सुपर चैट क्यों डिसेबल करी? बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता छोटे छोटे बच्चों से सुपर चैट लेना, तुम लोग अपने मम्मी पापा के पैसे उड़ा के सुपर चैट कर देते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए बंद कर दी। चलो 51 लेवल हो गए हैं, लेट्स गो। आवाज वगैरह सब एकदम बढ़िया है ना? आई होप सब बढ़िया आ रही हो, क्योंकि मैंने ना चेक भी नहीं करा,
मैंने कल ह्यूमन फॉल फ्लैट की वीडियो डाली, किसी ने देखा ही नहीं। एंड्रयू भी, हाँ यार एंड्रयू भी का लाइक आई एम ट्राइंग अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकता हूँ टू गेट हिज चैनल बैक। बाकी मेरी यूट्यूब से कोई डायरेक्ट बातचीत होती तो मैं खुद ही दिलवा देता उससे, लेकिन सैडली यूट्यूब वाले मेरी भी इतनी नहीं सुनते, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सो आई एम ट्राइंग जितना भी मेरे से हो सके उतना करने का। यार निश्चय दाढ़ी बहुत अच्छी है, दाढ़ी मेरी तो दाढ़ी है ही नहीं यार। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ही ज्यादा तेज लग रहा है या सच में बहुत तेज है? माइनक्राफ्ट ओपी, माइनक्राफ्ट ओपीएस्ट। हाँ सो एन्चेंटमेंट्स के लिए पहले हम क्या करेंगे, लैपिस लजूली लेते हैं। मैं बस क्या चाहता हूँ कि थोड़ी सी एन्चेंट, ये म्यूजिक मुझे ही तेज लग रहा है या सच में बहुत ज्यादा तेज है? आई थिंक मुझे लग रहा है। रोज लाइव करा करो यार, मैं रोज लाइव करूंगा ना तो तुम लाइव देखना बंद कर दोगे, मैं वो भी नहीं चाहता, तो मैं इसीलिए उतनी करता हूँ जितनी लाइक सब देख भी सके, समझ रहे हो? खुशी खुशी सब देख लो, उतनी कर लेता हूँ मैं लाइव। ये म्यूजिक एक्चुअली बहुत तेज है। आइए चलते हैं अपने नए वाले, ऊपर जाना पड़ता है ना एन्चेंटिंग करने के लिए, बुक्स चाहिए होती है एन्चेंटमेंट के लिए, जो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी हैं खाली बुक्स। अच्छा रुको, मेरे पास फेदर फॉलिंग 2 एक है, एक लॉयल्टी 2 है, ये सब जो है इनको मैं सोच रहा हूँ अपनी, ये स्माइट 2, पावर 2, फायर रेस्पेक्ट, ये मेरे को पता नहीं है ये सब किस पे लगता है, ठीक है माफ करना, अभी भी इतना अच्छा हुआ नहीं हूं मैं। प्रोटेक्शन 3, फॉर्च्यून 1, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, पावर 3, फॉर्च्यून 2, अनब्रेकिंग 3, ये मैं लगा सकता हूँ अपनी डायमंड पिक एक्सेस पे। बस इतना मेरे को आता है। फेदर फॉलिंग 2 मेरे जूतों पे लग जाएगी और फॉर्च्यून 2 मेरी पिकैक्स पे लग जाएगी। ये सब लगा लेते हैं फिर हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, इधर जाना है और ये वाली पिकैक्स पे एफिशिएंसी 3 और अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है ना, तो इसको यहाँ रखेंगे और इस पे एक फॉर्च्यून 2 वाली बुक है ये लगा लेते हैं। तो ये फॉर्च्यून 2 वाली अब इस पे वो हो गई एन्चेंटमेंट। और इस पिकैक्स को रिपेयर करने के लिए मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि पूरी पूरी नई पिकैक्स बनाने की जरूरत नहीं होती, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे जाओ और अपना इससे एक ही डायमंड उठाओ सपोज, ज़्यादा क्योंकि डायमंड्स वेस्ट नहीं करना चाहता मैं अपने, पर मैं चेक भी करना चाहता हूँ कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। तो उसने बोला यहाँ पे पिकैक्स रखो और पूरी पिकैक्स रखने की जगह सामने बस एक डायमंड रख दो। तो ये आर्ट एन्चेंटमेंट लेवल लेगी भाई, तो बहुत ज़्यादा नहीं है आर्ट, तो काफ़ी ज़्यादा है। चल ठीक है, और इस पे अनब्रेकिंग 3 है, अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है, अनब्रेकिंग 3 और फेदर फॉलिंग 2, फेदर फॉलिंग तो जूतों पे लगती है। मेरा डायमंड वाला सामान किधर है, एक सेकेंड, वेर इज़ माई डायमंड स्टफ ब्रो? हाँ ये रहा ना, तो आज हम क्योंकि दुनिया की सैर पे जा रहे हैं तो डायमंड वाला सामान पहन के जाएंगे, तो ये सब हम रख देते हैं। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, एंड इसको पहन लेते हैं, चेस्ट प्लेट ब्रो, डायमंड मैन बनने वाला हूँ मैं अब, बूम, एंड यस। और कौन सा था मेरा दूसरा ये क्यों है मेरे पास, लकड़ी की पिकैक्स क्यों पड़ी हुई है? अच्छा वो मैं टेस्ट करने के लिए बना रहा था, क्योंकि मेरे पास ना स्माइट वाली एक कोई वो है टेबल, उससे क्या होता है वो मैं देखना चाहता था। एंड ब्रो आई लुक सो हॉट ब्रो, क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है? मेरी तलवार का है, तलवार भी मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो तलवार को भी रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए देखिए अब हमें पूरी नई चीज नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा आयरन चाहिए, इसको लेंगे और इधर जाएंगे और इस वाले पे तलवार रखेंगे और आयरन इनगट रखेंगे, और ये इतने नहीं चाहिए, एक से हो जाएगा, अच्छा दो से फुल हो जाएगी बस, ठीक है तलवार भी फुल हो गई। और इस तलवार पे हम कोई एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं, अनब्रेकिंग, वाओ नाइस। और फेदर फॉलिंग तो जूतों पे लगती है, तो जूतों पे भी फेदर फॉलिंग लगाते हैं और फिर चलते हैं, एंड फेदर फॉलिंग ये। चलिए तो अब हम तैयार है दुनिया की सैर पे जाने के लिए अपना एन्चेंटेड सामान पहन के, लेकिन रात हो गई है कल जाएंगे। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ही ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है या सच में बहुत ज्यादा तेज है? और
मेरे को लाइव का नंबर नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है स्ट्रीम मेरी हैंग हो गई है। आई 65K आयरन गोलम बनाना था। अरे हाँ, लेकिन यार वो तुम लोगों को मैं कैसे बताऊँ, वो मेरी अगली वीडियो का आइडिया है। अरे मेरे को ये गाना बैकग्राउंड का बहुत तेज लग रहा है यार। सो मेरी अगली वीडियो का आइडिया, जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सिर्फ, अरे क्या, अरे गधे, नहीं नहीं, एंड नाउ आई नो मेरे विलेजर्स गायब कहां होते हैं। होली शिट। और मैं सोचता था मेरे विलेजर्स ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं, कहां जाते हैं ये बेवकूफ लोग, ये दरवाजा खोल के अंदर घुस जाते। हे मेरे भगवान, नहीं यार नहीं, टोटम ऑफ अंडाइंग ले चलते हैं, लपिस लजुली रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और नेम टैग, अरे नेम टैग से याद आया, भग्गू जग्गू किसी पे नेम टैग हमें ये जो वहाँ पे ट्रेजर चेस्ट में मिला था ये तो यूज़ कर ही सकते हैं। कैसे करते हैं इसको यूज़, ऐसे करते हैं फिर इसको यहाँ रख के इसका नाम रख सकते हैं ना, क्या नाम रखे, जग्गू। जग्गू को भाई मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है क्या, मेरे को ऐसा लगने लग जाता है बंद हो जाती है, मैं डर जाता हूँ। हाँ तो ये जग्गू जो है, अरे सॉरी गलत स्पेलिंग, बच गए, डबल जी यू या फिर डबल जी बहुत सारे ओ, ऐसा रखे जग्गो। हाँ जग्गो, जग्गो ही नहीं, जग्गो ये नाम होगा इसका आज से, जग्गू। छोटा वाला यू नहीं, हम बड़े वाले ओ रखेंगे। कहाँ है भाई जग्गू, ए तू जग्गू चल, ए ए ए ओके। डायमंड पिकैक्स है, आयरन एक्स हमारी जो है थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी हमारी आयरन एक्स, अगर हम इस पे भी अनब्रेकिंग लगा सकें, अनब्रेकिंग 3, और इसको रिपेयर कैसे करेंगे ऐसे, चलो हो गई। इधर आ, अब हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सी डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने जाना है, तो सजेस्ट करो। 70K वॉचिंग नाउ, माइनक्राफ्ट इज ओपी, माइनक्राफ्ट पे बहुत सारी वॉचिंग आती है, आई हैव नो आइडिया। मैं सोच रहा हूँ अभी हमें 1300 - 700, तो उस दिन हम गए थे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, आज हम चलते हैं वाई, पता नहीं, एक्स को कम करते हैं वाई को बढ़ाते हैं और नेगेटिव करते हैं, ऐसी डायरेक्शन में जहां पे 1300 - 700, देखो 1300 - 700 पे अब हम हैं, हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे x बढ़े और y और नेगेटिव हो। y और नेगेटिव किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, लेकिन इस तरफ x, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, आई होप तुम समझ रहे हो, मेरे को नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहाँ अटका हुआ हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं। अरे तुझे क्या दिक्कत है जग्गू, चल मेरे पास खाने की कमी है, फिर मैं दुनिया की सैर पे निकल जा रहा हूँ बिना उसके। अच्छा मेरे पास गोल्डन एप्पल है और 7 ब्रेड कम है ना, 7 ब्रेड इज वेरी लेस। वो मेरा लास्ट विलेजर था बाय द वे, मेरा आखिरी विलेजर भी खत्म हो गया अब, आई हैव नो विलेजर्स लेफ्ट, मैंने इतनी मेहनत करके पूरा एपिसोड जो बनाया वेस्ट, वीट, अरे वीट नहीं क्या बोलते हैं, ब्रेड, ब्रेड, गिव मी ऑल द ब्रेड, देर इज ओनली 26, चलो ठीक है बहुत है यार, इतनी ब्रेड काफी आएगा, चल भाई ऊपर चढ़ सकता है क्या तू, ओ कुछ नहीं कर सकता तू, मेरी तो शील्ड तक टूट गई है, बट आई हैव अनदर शील्ड, नो वरीज। अबे घोड़े यार, ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैं सच बता रहा हूँ बहुत तेज लग रहा है, मेरे को इतना तेज सुनाई दे रहा है ना, मेरे कान दुख जाते हैं इसके इतनी तेज होने की वजह से, ये इतना तेज है। अरे बहुत सारे चैनल मेंबर्स बन रहे हैं यार, रचना मेहरोत्रा, अल्टीमेट शूटर्स ओपी, दीपिका वाईटी, बडी गेमिंग वाईटी, अरे 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 अरे, श्रीनिधि सावडकर, संध्या सिंह, टेक टॉकर्स, रमन, इगामेल कृष्णा, पापा वेनम वाईटी, वाह यार मैंने वो बंद कर दी सुपर चैट इसलिए सारे मेंबरशिप ले रहे हैं, ये अच्छा आइडिया है। पॉजिटिव
वाई में जाओ, पॉजिटिव एक्स में जाओ, पॉजिटिव एक्स, ओके ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है देखते हैं। इस डायरेक्शन में एक्स कम हो रहा है और वाई ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। आई लाइक दिस डायरेक्शन। मैं अटक गया, कोई मुझे निकालो। अबे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कैसे अटक गया, यहां से तो इजीली कूद सकता है ये। भग्गू तो बहुत बुरा है यार, यार ये क्या नल्ला घोड़ा है, इससे बढ़िया तो वो गधा है। अरे क्या ये क्रीपर था। अरे 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 सही टाइम पे देख लिया भाई, सही टाइम पे देख लिया, बच गया। ओके लेट्स गो। हाँ इतनी वॉल्यूम हो ना बैकग्राउंड म्यूजिक की तो नहीं लगता कान में, वो ज्यादा तेज हो जाता है। ये बटन मैंने अपना उसका क्यों तोड़ के रखा हुआ है। सो बेसिकली लेट मी गिव यू जिस्ट अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। एक एपिसोड में हम विदर स्पॉन करने वाले हैं एंड मैं नॉर्मली विदर से नहीं लड़ने वाला, वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, लाइक विदर से तो हर कोई लड़ता है। हम जो करने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, बिलीव मी, एंड वो नेक्स्ट एपिसोड में ही होगा। लेकिन विदर को स्पॉन करना बहुत मुश्किल है सर्वाइवल मोड में, मैं देखा भाई वो क्या कहते हैं उसका विदर हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। विदर स्केलेटन से हेड ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है, विदर स्पॉन करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये दिक्कत थी, दूसरा उसके लिए मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए होगा, जो मैं आइडिया मेरा है ना। सो शुड आई टेल द आइडिया, यार आइडिया चोरी ना हो जाए, मैं इसलिए डर के मारे नहीं बताना चाहता, समझ रहे हो। रॉबिन गेमिंग भाई वेलकम टू द प्रोग्राम। अब बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही। अब वो क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है और एकदम से बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। इस डायरेक्शन में एक्स जो है वो कम हो रहा है एंड वाई इधर ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। ये डायरेक्शन सही है आई थिंक। मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आइडिया पता क्या है। सो देखो विदर से तो हर कोई लड़ सकता है ना, लेकिन क्या कोई विदर के अगेंस्ट एक पूरी आर्मी को लड़वा सकता है। अब थोड़ा सा बेसिक हिंट दिया मैंने, वो ये बहुत बढ़िया वीडियो आइडिया है एंड होपफुली अगली वीडियो तक मैं ये बना पाऊँ। मैं नेदर में, तुम्हें पता ही है, एक तो मेरा थोड़ा सा नेदर के साथ सीन गलत ही होता है हमेशा। नेदर में मैं जाऊंगा और मैं मरवर जाऊंगा, मैं वो नहीं चाहता। चल बे घोड़े। इधर में एक्स जो है वो 1000 है और वाई इधर में और नेगेटिव हो रहा है और घट रहा है। ऐसा ठीक है, आई थिंक ये इस डायरेक्शन में मेरी गट फीलिंग कह रही है सामने समुद्र होगा, फिर हम बोट पे बैठेंगे और फिर हम ओके डेजर्ट। अरे ये वही वाला डेजर्ट टेम्पल है जो मैं पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ या ये नया है? प्लीज कह दो कि ये नया है, प्लीज कह दो कि ये एक नया डेजर्ट टेम्पल है, प्लीज भगवान प्लीज 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 प्लीज। ये वो वाला नहीं होना चाहिए यार, वो तो दूसरी साइड था मैप के, ये नया है। और वो होता तो उसमें मैंने तो बहुत तोड़फोड़ कर रखी थी। हाँ ये नया है फॉर श्योर। वाह डेजर्ट टेम्पल मिल गया। वॉटर बकेट ट्रिक के लिए रेडी हो गाइज? आर यू रेडी फॉर द वॉटर बकेट ट्रिक्स? एंड ओ यस आई डिड इट नाउ आई एम प्रो। अरे वाह वॉटर बकेट ट्रिक आ गई भाई मेरे को। बूम शाकालाका ओम शिम शाम शू, बहुत सारा गोल्डन गट दे दो। ओके हड्डियां दे दो। ओके सैडल नहीं चाहिए, सैंड नहीं चाहिए, आयरन इनगट दे दो। ओके ये तू जा। गन पाउडर अभी तो मेरे को गन पाउडर नहीं चाहिए, हड्डियां ले लेते हैं सारी। वीट तुम रख लो, स्ट्रिंग हमको दे दो। सैंड नहीं चाहिए, गन पाउडर भी नहीं चाहिए।
डायमंड, डायमंड बिस्किट मजा ही आ जाए। डायमंड मिल गया भाई, आयरन का हॉर्स आर्मर एक और, ये दो दो आयरन हॉर्स आर्मर हो जाएंगे, पर मेरे को इतनी जरूरत थोड़ी ना है। और हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां, ओके। एंड इसमें ओ डायमंड हॉर्स आर्मर, या आई विल कीप दिस। दो दो सैडल, इतना सारा गन पाउडर, यार इतना आप गन पाउडर दोगे तो फिर लालच आ जाएगी, फिर मैं रख लूंगा। फिर मैं ये वाला गन पाउडर भी उठा लेता हूँ, अभी काफी गन पाउडर मिल गया, वाह अद्भुत। और ये क्या, स्पाइडर आई, ये नहीं चाहिए मेरे को, चलो वापस। एक्चुअली एक चीज रह गई, इसके नीचे देखना चाहता हूं मैं क्या है। कुछ नहीं है, वापस। डॉग ओपी, कौन सा डॉग, हमारे पास तो कोई डॉग ही नहीं है। ये कौन सी चीज मिली है, इसको क्या कहते हैं, ये है ब्लू टेरेकोटा। ए यार मुझे नहीं आता, सॉरी अगर मैंने उसकी प्रोनंसिएशन सही नहीं करी, टेरेकोटा ही होता है आई थिंक। बाहर ओपी, अरे यार बेड के लिए वूल नहीं लाया मैं, शिट। अब क्या करें, अरे भग्गू उधर खड़ा है, आई मीन जग्गो। देखो जग्गू, हम जो थे जा रहे थे, एक्स जो था वो घट रहा था और वाई ज्यादा नेगेटिव हो रहा था, हाँ यही डायरेक्शन में चल रहे थे हम, तो चले चलो कोई हाय ना टकरावे, चले चलो। सामने विलेज मिल गया भग्गू, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये, ओ भाई साहब क्या वहां पे क्रीपर पार्टी चल रही है, क्या वहां पे क्रीपर्स की पार्टी चल रही है, ये ब्रो। थोड़ा सा घूम के जाएंगे, बिकॉज हमको क्रीपर से उलझने का नहीं है। अरे पीछे रहो। अरे जग्गू भाई रुकना नहीं है, एमरल्ड नाइस, एमरल्ड। ये क्या, क्ले बॉल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं बाहर आ रहा हूं ठीक है, कोई चढ़ना मत मेरे पे। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक अब देखो, ये एकदम से इतना तेज हो जाता है, मैंने पक्का ये वाला विलेज एक्सप्लोर किया हुआ है, मेरी गट फीलिंग कह रही है मैं यहां आया हुआ हूं। हाँ भाई, हाँ क्या देते हो, लेदर के बदले एमरल्ड के बदले में कपड़े, तुम क्या देते हो, आलू के बदले में एमरल्ड, बीटरूट, कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलो भागो। हाँ भाई गोलम भैया, पता है तुमको देखते ही हमारा मन क्या करता है, हो एक गोलम को देखा तो ऐसा लगा, टनन टनन टन, आहा। और अब हमारे पास है 8 आयरन इनगट, नाइस। आयरन गोलम पे इतना बेरहम क्यों हो रहे हो, अरे यार अब क्या, आयरन गोलम हम यहाँ पे मारेंगे नहीं तो अपने विलेज में जाके आयरन गोलम कैसे हम उगाएंगे, हमको आयरन की जरूरत है, हमको आर्मी बनानी है, पर मैं नहीं बता रहा किस चीज की आर्मी बनानी है। ये बेड ले चलता हूं मैं, मुझे आगे मेरी जर्नी में काम आएगा सोने के। यार वो वाला जो आइडिया है ना मेरा, अगर वो वर्क कर गया ढंग से, बिलीव मी वो ओपीएस्ट वीडियो होगी मेरी अब तक की, बस वो थोड़ी मुश्किल होगी बनानी, क्योंकि एक उसके लिए मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए होगा, और दूसरा मेरे को उसके लिए विदर को स्पॉन करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं चेक कर रहा था सर्वाइवल मोड में विदर को, विदर स्केलेटन से, विदर का जो विदर स्केलेटन से जो हेड होता है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी 5% होती है, 5% अगर तुम एक स्केलेटन को मारते हो, विच इज वेरी लो यार। अरे जग्गो कहाँ गया, हो रहा um,
क्या फेंकू मैं, मेरे को ये सब सामान रख के आना चाहिए था ना, ये मैं साथ में क्यों ले आया। दे दो 100K की वॉचिंग हो गई भाई। जी जी रितो ब्राता बोस एंड स्वैगी बॉय कार्तिक गेमिंग देवयन श्रे वेलकम टू द प्रो गैंग। वाओ आज तो भाई मेंबर ही मेंबर बढ़ रहे हैं। नो सुपर चैट ओनली मेंबर्स, ये सही है। वाह बे ये वाला तो घर में देख लिया था। जग्गो कहाँ गया? जग्गो भाई तू क्या एक्सप्लोरर है क्या, बहुत इधर उधर घूमता रहता है, और तुम क्या करते हो बेटा? मुंडी ना हिलाओ, पता है क्या करते हैं हम, काट देते हैं। अच्छा ओके, फिर से हमें कंफ्यूजन हो गई किस तरफ जा रहे थे हम, इस तरफ जा रहे थे। देखिए यहाँ पे वाई ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, एक्स पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन सामने तो सम हाँ हाँ आ जा अबे आई आई करते हुए आ जा। अब समस्या ये है कि सामने है समुद्र, तो समुद्र में हम कैसा जाएगा? अरे भाई 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 जग्गू भाई तुम स्विमिंग करो थोड़ी सी। हाँ तो अब ये तो मैं डेड एंड पे पहुंच गया, अब क्या फिर खो गया? नहीं नहीं भाई 1300-700 अपने घर के कोऑर्डिनेट्स में आज के बाद कभी नहीं भूलने वाला, उसकी टेंशन नहीं है। बस अब टेंशन ये है कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ आगे तो समुद्र है। एक्स को कम करना चाहिए था ना हमें, एक्स तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो एक्स कम होगा इस डायरेक्शन में। हाँ एक और आइडिया हो सकता है, देखिए ये वाला आइडिया जो है पर थोड़ा स्केरी आइडिया है, लेकिन समुद्र में ही जो है असली चीजें मिलने वाली है। तो हमारा आइडिया ये हा है कि हम ये जगुआ को यहाँ पे छोड़ेंगे। इस जगह के कोऑर्डिनेट्स है 1155 और -1629, 1155 -1629, और एक बोट बनानी पड़ेगी उसके लिए, और बोट बनाने के लिए लकड़ी ही नहीं है, सैड लाइफ। कोई टेंशन नहीं, एक मिनट लगेगा बोट बनाने में। एंड बूम 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 बूम। कितना तेज हो गया हूँ मैं अब ये सब, पहले मैं बहुत इतनी धीरे धीरे करता था, अब मैं कितनी तेज तेज कर पाता हूँ ये सब। और इसको यहाँ रख लेते हैं। ये ओमिनोस बैनर की जरूरत होती है क्या? होता है ये किस काम की होता है? होता होगा कुछ तो काम की होता होगा। और थोड़ी सी लकड़ी और तोड़ लेते हैं क्योंकि मेरे पास अब ब्लॉक्स नहीं है और मैं जा रहा हूँ समुद्र में। एक्चुअली नेवर माइंड, समुद्र में क्या ही ब्लॉक्स चाहिए होंगे। जग्गू भाई सुन, तू इसमें बोट में बैठ जा। बैठेगा? घोड़ा नहीं बैठता बोट में, ये तो गलत बात है, घोड़ा भी बैठना चाहिए ना, इसको साथ में लेके जाऊंगा मैं। बैठ जा यार बोट में, बैठ जा बैठ जा ए, बैठ जा बैठ जा, गिर जा। चल पुष्पा चलेगी मेरे साथ बोट में। पुष्पा एंड आई विल नाउ गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, लेट्स गो गाइस। यहाँ के कोऑर्डिनेट है 1100-1600 और मेरे घर के है 1300-700 निकल गए हैं हम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब हम तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक हमको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूंगा। अब यही हमारी आज की, हमें बस नीचे समुद्र में देखते रहना है कि कुछ बढ़िया मिल जाए। 1100-1600 जग्गू वहां पे खड़ा हुआ है। प्लीज टेल मी के ये आइलैंड जो है ये एक डेजर्टेड सीक्रेट आइलैंड बेस है, प्लीज। हाँ भाई पुष्पा कुछ है यहाँ पे प्लीज, कुछ है? आई
थिंक शायद सामने डेजर्ट टेम्पल मिल सकता है, ऐसा मेरे को ना गट फीलिंग कह रही है मेरी. वी कैन फाइंड अ डेजर्ट टेम्पल आउट देयर. ओके सो बिना किसी देरी के लेट्स गो. अरे अरे ये तो वही है, क्या कहते हैं, सैंडस्टोन क्या होती है ये तो डेजर्ट टेम्पल का ही तो वो है. आ आ ये क्या था, अरे बाबा रे. क्या भाई यार, मेरे को लगा यहाँ डेजर्ट टेम्पल होगा ये, क्योंकि ये वाला पत्थर तो डेजर्ट टेम्पल के आसपास ही मिलता है. बट इट इज नॉट डेजर्ट टेम्पल, मे बी आगे हो, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट वाला बायोम अगर होगा तो डेजर्ट टेम्पल तो होगा यहाँ कहीं. तो मैं अपनी बोट में जाता हूँ ना, घूम के आऊंगा, कितना क्यों चल के जाऊं मैं. मेरे को वाटर वाली बकेट ट्रिक आ जाए बस एक बार ढंग से ना, तो मैं तो कह रहा हूँ अगले एपिसोड में एंडर ड्रैगन भी मारूंगा मैं. अब ड्रीम की इतनी वीडियोस तो मैंने देख ही लिया है कि मुझे इतना तो समझ आ गया है कि एंडर ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हें बस बेड चाहिए और वाटर बकेट वाली ट्रिक आनी चाहिए. दैट्स इट. इफ यू नो दीज टू यू कैन किल एंडर ड्रैगन इजी. अरे 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 टर्टल, टर्टल मिल गया. ओ माय गॉड इट्स अ टर्टल. इसको बोट में, चल पुष्पा बोट से निकल, टर्टल को डालेगा मैं बोट में. इज इट पॉसिबल? अबे अबे हाँ इट इज पॉसिबल. तो एक काम करते हैं, एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है, और ऐसा करते हैं और ऐसे करते हैं और यूं करके एक और बोट क्यों बना रहा हूँ मैं, एक और बोर्ड बनाने का क्या फायदा है, लेक के तो एक ही बोर्ड जा सकते हो एक बारी में. मेरे दिमाग में कैसे कैसे आइडिया थे. तो एक काम कर, यहाँ पे बोट में चिल कर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आया, यहाँ पे मेरे को डेजर्ट टेम्पल मिलेगा, आई नो दैट. ब्रा ब्रा डेजर्ट टेम्पल तो नहीं मिला, लेकिन ये तो कुछ और ही है. वट इज दिस ओ माई गॉड, ये क्या होता है ये, कमेंट्स में बताओ, मेरे को नहीं पता ये क्या होता है. अरे चेस्ट, गाजर, कोल, गन पाउडर, ठीक है भाई ठीक है. मतलब ऐसी लोकेशन पे ये जो भी मिला है मेरे को उसके अंदर भी गाजर मिल रही है, मतलब जिंदगी देख रहे हो कितनी बड़ी झंड है. शिपरेक है ये, शिप है. ओके सो मेरे को नहीं पता ना भाई, मैं इतना ज्यादा अभी वो नहीं हुआ मैं पीरो. बट यार ये तो वेस्ट है, एक चेस्ट है इसके अंदर. अरे टोटल एक चेस्ट उसके अंदर. अच्छा ये क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 लेदर बूट्स, रख लेता हूँ मैं, काम आ जाएंगे. किसकी जगह रखूँ लेकिन ये नहीं पता. कुछ फेंकना पड़ेगा, क्या फेंकूँ, शवल, बोन्स, अंडर पर्ल, बकेट नहीं, खाली बकेट नहीं, अकासिया प्लैंक. एनीवेज इट इज टाइम टू स्लीप. Very late in the night, I put my bed and I sleep. Treasure map कहाँ मिलेगा अब? यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो बस गाजरें हैं यहाँ पे. चलो गाजर खा के पेट ही भर लेते हैं, किसी काम तो आएगी ये. गाजर, नल्ली गाजर, मुझे क्या करना है गाजर का. कट सैंडस्टोन, मुझे क्या करना है इसका. कहाँ है भाई वो लेदर वाले जूते, कुछ फायदा है इन लेदर जूतों का? +1 आर्मर व्हेन ऑन फीट, +3 आर्मर. अब
भाई ये ले तू रख ले, समुद्र समुद्र को कहो तुम रखो। और कुछ है यहाँ पे इस शिपरेक में? और कुछ है? हेलो, और कुछ है? ये है नहीं है, नथिंग, वेस्ट। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था इसको देख के यार, मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे क्या खजाना मिलेगा, ये तो एकदम ही नल्लो छे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, डेजर्ट टेंपल मिलेगा अभी, मेरी गट फीलिंग कह रही है यहाँ पे डेजर्ट टेंपल होगा। और उस डेजर्ट टेंपल के अंदर ना 1000 डायमंड ब्लॉक्स होंगे। ओए वहां आगे भी है, ओए वहां आगे भी है शिपरेक शायद। यप 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 यप, नोप नोप नोप, मुझे लग रहा है कि है पर है नहीं, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उई। हेलो, अभी लेता हूं, कैसी है? अच्छा पता नहीं वो मुझे ही दिख रहा है या फिर वहां पे पानी के अंदर कुछ है। आई स्वेयर मेरे को ना घर दिख रहा है उसके अंदर। हे भगवान, दिस हैज टू बी इट, दिस हैज टू बी समथिंग वेरी वेरी कूल, वेरी वेरी स्पेशल। भाई ये कुछ बहुत मस्त मिलने वाला है। नो वे नो वे, आई मीन यस वे यस वे, प्लीज कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा, कुछ तो है ये भाई। आ अरे तू कहां से आया बे? अबे तुम दोनों कहां से आए हो? अच्छा ये पक्का यहां पे कुछ तो है, तभी तो ये गार्ड करने ही आ गए। अरे तो बहुत सारे हैं। ओए चेस्ट है चेस्ट है चेस्ट है, और ट्रेजर मैप। उफ ला 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 ला, ये तो और भी है यहां पे। पहले मैं एक बार हेल्थ पढ़ाऊं फिर जाऊंगा। भाई ट्रेजर मैप मिल गया यार, और मैं काफी क्लोज हूं ट्रेजर के। ओ भाई ओ मजा आ गया, ओ बल्ले यार, ओ नो नो नो, हट जाओ हट जाओ, और है वहां पे। सांस ले लूं मैं फिर जाता हूं। 3 2 1 ताशीशे, इसके अंदर कुछ तो है, नेवर माइंड कुछ नहीं है। सांस ले लो सांस ले लो। ये वाला तो मैं देख लिया था, शिट फिर से आऊंगा मैं। एक ये वाला आखिरी वाला बचा है, इसके अंदर भी कुछ होगा, और उसको देखने के लिए कुछ फेंकना पड़ेगा, और मैं ये फेंक दूंगा। और लेट्स गो, कुछ तो दे दो, कुछ बढ़िया, कुछ है? हेलो, नथिंग रियली ब्रो। चलो भाई एक ट्रेजर मैप मिल गया, वही बहुत है, एक तो मिला, एक ही बहुत है, ज्यादा नहीं मिले बट एक तो मिला। कुछ ना से कुछ तो सही, चलो ये वाला ट्रेजर मैप लेंगे और चलेंगे इस मैप की तरफ। ओ हेल यस, बड़ी ट्रेजर मैप मिला है भाई, अब तो कुछ बढ़िया मिलना चाहिए इसमें। सामने ही है ये तो, काफी क्लोज है, ये तो बहुत पास है।
95,000 people are gonna watch me find my first ever treasure in Minecraft. Buried treasure. Let's go, guys. Is baat pe video like. Okay? I mean, yes, stream like. La 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 la. ये तो यहीं नीचे है कहीं. तो एक काम करते हैं, यहाँ बेड लगाते हैं और इसको अपना रिस्पॉन सेट कर लेते हैं, ठीक है. और नीचे चलते हैं. ओ भाई, ओ मैं नहीं जा रहा हूँ इतने नीचे. ओ मैं नहीं जा रहा. ओ नावे ना, ओ नावे ना, ओ नावे ना. शवल चाहिए इसके लिए. शवल कहाँ है मेरी? शवल तो मैं फेंक दी. शवल तो मैंने फेंक दी. ओह, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैं एक और शवल बना सकता हूँ. और एक काम करते हैं यार, चेस्ट बनाने के लिए लकड़ी नहीं है. चेस्ट बना के अपना सारा सामान डाल देते हैं, मर भी जाएंगे अगर बाय चांस तो यहीं स्पॉन होंगे, वापस आ जाएंगे. आई जस्ट विश आई हैड थोड़ी सी और लकड़ी. उफ, डर तो लग रहा है लेकिन डर के आगे जीत है, जान पड़ेगा मुझको यही नीचे की तरफ. या खुदा मदद. चुप कर. अरे यार कोल भी नहीं है मेरे पास टॉर्च के लिए, क्या करूं. ओए टॉर्चेस थोड़ी सी हैं. टेंशन बढ़ती हुई. ओके, इस तरफ को जाना है मेरे को. एक काम करते हैं ना, मैप को ही साथ में पकड़ लेते हैं. इसी डायरेक्शन में है. This has to be it. उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता. But after 100 million years of effort, finally, अब भाई इस चेस्ट के अंदर अगर हीरे मोती जवाहरात, मैं कह रहा हूं भाई सब होना चाहिए अब इसके अंदर. अरे भाई जाने दो यार, जाने दो. इसके आसपास तो पूरी दीवार बना के एकदम मस्त सा पूजा करूंगा पहले मैं इसकी, फिर उसको डिक करूंगा. What? Oh, come on. Oh, oh, क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं. उफ 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 उफ. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. अरे अभी भी पानी के अंदर कैसे हो? आई स्वेयर अब तो पानी नहीं होना चाहिए यहां पे. कोई आ कहां से रहा है पानी?
अरे पानी टपक कहां से रहा है? अब तो कोई सोर्स ही नहीं है पानी के आने का। ब्रो व्हाई हाउ हाउ वाटर, ओ वाटर भाई किधर? देर इज नो वे फॉर वाटर टू कम नाउ, बट स्टिल वाटर कमिंग फ्रॉम छत लीक हो रहा है। एनीवेज आई एम जस्ट गोइंग टू गेट इट अप ऐसे ही पानी के साथ ही। और इसके अंदर है चल ना, एक सेकंड टिक जा एक सेकंड। फाइनली। और इसमें है प्लीज कुछ बढ़िया। अबे ये नहीं, ओ माय गॉड इसमें तो बहुत कुछ है भाई। प्रिज्मरीन क्रिस्टल्स, पहले तो बहुत सारा आयरन इनगट दे दे भाई, सब सारा आयरन दे दो। इसको मैं रखूँगा, किसकी जगह रखूँगा? ये इसकी जगह रखूँगा। फिर ये है हार्ट ऑफ द सी, ओके वेरी नाइस हार्ट ऑफ द सी, थैंक्स। प्रिज्मरीन क्रिस्टल्स वेरी नाइस, इसको मैं रख रहा हे वेल की जगह। और फिर ये भी रख लो, TNT भी रख लो, और ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ये क्या होता है? हार्ट ऑफ द सी देखना पड़ेगा क्या होता है, वॉट इज हार्ट ऑफ द सी। फाइनली आफ्टर 1,000,100,000 ईयर्स इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। वी फाइनली हैव ओपन्ड द चेस्ट, वी फाउंड दैट ट्रेजर चेस्ट जिसके लिए हमने एक साल मैंने लगा दिया है लिटरली। यहाँ पे ऐसी की तैसी हो गई कसम से। और जिसने भी कमेंट में ये चीज़ बोली थी ना, भाई 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 टेप टाइम आइलैंड पे ठीक करो, देख लो भाई आइलैंड पे नहीं था, वो पानी के अंदर ही था। मैं उस वक्त सही जा रहा था चार्ट में भाई, नूब 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 इतना नूब स्पैम कर दिया कि भाई मेरे को डर लग गया कि मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने लिटरली जहाँ पे मैं सही जगह पे डिक कर रहा था वहाँ पे डिक करना छोड़ के आइलैंड डिक करना शुरू कर दिया। लिटरली आधा घंटा मेरा, आधा घंटा भी नहीं, एक घंटा सिर्फ तुम लोगों के कहने पे, वो जो भी था ना वो नूब नूब लिखने वाले, तुम नूब। तुझे माइनक्राफ्ट नहीं आती? अबे नहीं आती, पर कम से कम मैप देखना तो आता है। सही जा रहा था मैं उस वक्त, पानी के अंदर ही डिक कर रहा था, बट नहीं भैया तुम नूब हो, पानी के अंदर क्यों डिक कर ले हो। सही जा रहा था मैं। एनीवेज हार्ट ऑफ द सी मिल गया मेरे को। अब जो वो क्या होता है मुझे नहीं पता, हार्ट ऑफ द सी, बट अच्छा लगा। और देखें क्या यहाँ पे इस पानी वाले एरिया में और कुछ मिल जाए तो। वैसे आई थिंक जितना सर खपाया है ना मैंने उसको ढूंढने के लिए, मेरा हो गया। डेजर्ट टेम्पल, एक सेकेंड, नो वे। अबे पानी आके गिरा दिया। ये डेजर्ट टेम्पल नहीं है, मेरे को लगा डेजर्ट टेम्पल है यार, मैं तो खुश हो गया था, एक ही दिन में डबल डबल चांदी हो जाती। हाँ भाई टर्टल चिल कर रहे हो बोट पे। ये ले पत्थर, तू रख ले, बोट मैं रख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे आगे ना मेरे को ऐसा बाबा जी का सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पे आगे कुछ है, तो मैं बस एक बार देख के फिर मैं वापस जा रहा, फिर मेरा हो गया। हमका हमार जगुआ को भी उठाना है, वो पता नहीं कहाँ निकल लिया होगा दुनिया की सैर पे। बाबा जी क्या यहाँ कुछ है? अब ये वाला ट्रेजर मैप तो किसी काम का नहीं है ना, आई थिंक इसका काम हो गया, तो इसको फेंक दूँ या रख लूँ पता नहीं, पड़े रहने दो क्या फर्क पड़ता है। बाबा जी सेंडिंग मी सिग्नल्स, देर इज समथिंग हेयर। क्या बाबा यहाँ पक्का कुछ है ना? बाबा बाबा बेइज्जती हो जाएगी, बाबा तुम कह रहे हो ट्रेजर मैप तो, ट्रेजर तो हमने ढूंढ ही लिया है, और कुछ वैसे जरूरत है नहीं हमें। नहीं बाबा तुम गलत हो बाबा, यहाँ यहाँ है एक्चुअली कुछ है आगे। ओ यहाँ बाबा देखो आग लग रही है हर जगह।
बाबा यहाँ भूत है बाबा। बाबा जी यहाँ कुछ नहीं है, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, वापस जा रहा मैं। बेड लाया हूँ मैं, बेड भी वहीं छोड़ा है, सैड लाइफ। ओके नेवर माइंड, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मेरे को ट्रेजर ढूंढना था, अपना लाइफ का पहला ट्रेजर, वो मैंने ढूंढ लिया है। इवन तो मुझे आगे कुछ डेजर्ट जैसा दिख रहा है और वो हो सकता है कुछ, बट आई एल स्टिल गो होम। यहाँ देख नहीं, हाँ आई एल गो होम। नहीं नहीं मेरे को और कुछ नहीं देखना, मेरा हो गया। तो आई थिंक आई विल एंड द स्ट्रीम हेयर इफ यू गाइज एंजॉयड, एंड स्पेशली वो लोग जो मेरे को नूब लिख रहे थे जब मैं सही जगह पे जाके सर्च कर रहा था। तुम नूब, ठीक है, तुम नूब, तुम जाके सीखो। ये मेरे को हर चीज को देख के ऐसा लग रहा है पानी में कुछ ना कुछ। अरे डॉल्फिन वो होती है ना, तो मैं साथ में अपने बिठा के तेजी में ले जाती है। कैसे होता है वो, मैंने देखा है वो डॉल्फिन को पकड़ लेते हैं और फिर वो तेज तेज स्विमिंग करते हैं। मुझे भी करा यार स्विमिंग डॉल्फिन। और डॉल्फिन, अच्छा डॉल्फिन की प्रेजेंस में तेज हो जाते हैं। ओ आ गॉट इट। और ये तो काफी तेज स्विमिंग कर रहा हूं मैं। ओ भाई, ओ भाई, व्हाट अ स्पीड। ओ नाइस, ओ नाइस। ये तो एक सेकंड में पहुंच गया मैं वापस। अरे डॉल्फिन चली गई, कोई नहीं, हमारे पास बोट है, बोट में बैठेंगे और अपने जग्गू के पास जाएंगे। 1100 माइनस 1600, भूला नहीं मैं। एक्चुअली मैंने लिख लिया था यहाँ पे साइड में तुम लोगों को, डेजर्ट टेम्पल पक्का। एक और शिपरेक, लोल, ये वही वाला है, ये नया है, ये नया है, इट्स अ डिफरेंट वन आई थिंक। यप, और मे बी नोप, हु नोस। ये मैं वहीं पे ही घूम रहा हूँ शायद, पता नहीं, कह नहीं सकते, पर भूतों की आवाज़ सुन के मेरे को डर लग रहा है, तो मैं घर जा रहा। नहीं मेरे को, मेरे को 1100 माइनस 1600, माइनस 1600 और 1100, 1100 नहीं, इधर नहीं, इस तरफ। हाँ ठीक है, चलो 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 भाई, तेजी के साथ अपने भग्गू के पास, जग्गू के पास चलेंगे। इवन तो वहाँ पे डेजर्ट टेम्पल के मेरे को लक्षण लग रहे हैं, बट नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ये भी कुछ है, ये हर चीज कुछ ना कुछ है भाई। 1100 माइनस 1600 आई थिंक पहुंच भी गया मैं तो। जग्गू, अरे दिख गया जग्गू, डायमंड आर्मर पहना हुआ जग्गू, दूर से ही चमकता है। जग्गू भैया देखो, हम लक ऑफ द सी लेके आए हैं, समुद्र का लक को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, समुद्र की किस्मत। वाओ मजा आ गया। यप 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 यप। चलो भैया, जग्गू भैया घर चले वापस। ओके गाइस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस लाइव स्ट्रीम। ट्रेजर ढूंढना था, ढूंढ लिया, सब बढ़िया बढ़िया कर लिया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विच विल बी अ वेरी ओपी वीडियो, विदर वर्सेस आर्मी। लेकिन वो विदर को स्पॉन करना जो है ना, वो बड़ी मेहनत वाला काम है, बट होपफुली हो जाएगा, होपफुली हमको विदर स्केलेटन के हेड मिल जाएंगे। तो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। हार्ट ऑफ द सी, सॉरी नॉट लक ऑफ द सी, हार्ट ऑफ द सी, वो करता क्या है वो भी बता देना मेरे को कमेंट्स में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आउट्रो, आउट्रो म्यूजिक, नो कॉपीराइट सॉन्ग, फियरलेस।
डांस टाइम Fearless.